क्या तुम जलते हो जब वो किसी और से बात करती है? क्या फटती है तुम्हारी? डोमिनेंट बनना चाहते हो ताकि वो तुम्हारी हर बात सुने? कंट्रोल करना चाहते हो उसकी लाइफ ताकि वो तुम्हारे अलावा किसी और को कभी पसंद ना करे, किसी और से कभी दोस्ती ना करे? फालतू इंसान हो तुम। तुम्हें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी प्राइवेसी को कंट्रोल करे या तुम्हारी फ्रीडम को कंट्रोल करे। और सेम तरीके से तुम्हें भी समझने की ज़रूरत है कि लड़की भी इंसान है और उसकी फ्रीडम, उसकी प्राइवेसी, उसका राइट है, बर्थ राइट है जो उसको मिलना चाहिए। और तुम साला कोई नहीं हो यार उस चीज़ को रोकने के लिए, वो मैं खुद आके देखूँगा। तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम सोचते हो ना मैं डोमिनेंट ऐसे बन जाऊँ या फिर मैं अपनी इनसिक्योरिटी, मतलब मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है तो मेरे को इसका बिहेवियर कंट्रोल करना है, मैं चाहता नहीं है दूसरे लोगों से बात करें, मुझे एंग्जाइटी होती है। तुम हो ही फालतू इंसान यार, तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम खुद को ना नहीं बोल सकते, मतलब क्या है मेरा, तुम दूसरे इंसान को ना बोल रहे हो, तुम लड़की को ना बोल रहे हो नहीं तो इससे नहीं मिलेगी, नहीं ये तेरे भाई जैसा हो या जो भी हो तो इससे नहीं मिलेगी, तो इससे बात नहीं करेगी, तो रात को इतने बजे बाहर नहीं जाएगी, तो लड़कियों के साथ बाहर नहीं जाएगी, तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, जो तुम्हारे दादा परदादा या किसी ने तुम्हें सिखाया होगा, या मतलब चाहे मेंटालिटी हो या कल्चर हो या रिलीजन हो या जो भी कारण है उस चीज़ का, वो तुम्हारे लिए हमेशा बैकफायर करेगा क्योंकि तुम उस इंसान को डर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद को ना नहीं बोल सकते तो तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो। अगर तुम खुद को कंट्रोल करना सीखो, खुद को ना बोलना सीखो, तो जो इंसान डर के मारे तुम्हारी सुनता है ना, जो वो चाहता नहीं है लेकिन पनिशमेंट या गुस्सा या ड्रामा के डर से वो तुम्हारी सुनता है, वो तुम्हारी खुद सुनना चाहेगा। और वो इसलिए सुनना चाहेगा क्योंकि तुमसे महान आदमी उसकी ज़िंदगी में कोई है नहीं, और महान इन द सेंस के वो रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हें, एडमायर करते हैं तुम्हें, वो सोचते हैं कि यार काश पूरी दुनिया इस बंदे ऐसे होती, या काश सारे बंदे ऐसे होते, काश मेरी फीमेल दोस्त ऐसी होती, काश मेरे लड़के दोस्त ऐसे होते, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि खुद को ना बोलना आसान नहीं है, खुद को ना बोलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मुझे भी होता है जब मैं किसी लड़की के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना पसंद आता है, मुझे भी लगता है यार आज रात इतना मन कर रहा है उसके साथ लेटने का, उसके बाल सूखने का मुझे इतना मन कर रहा है, लेकिन वो बिजी है, उसको अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, फिर उसका नाइट आउट है, क्या करूँ मैं, तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, है ना? ऐसे ही करते हो ना तुम नॉर्मली, चूँकि तुम उसे सिर्फ खुद के लिए चाहते हो, दे नहीं सकते दुनिया को अपनी खुशी, तो क्या करते हो तुम? इतना अच्छा बन जाओ कि बहनचोद किसी और का बर्थडे भी तुम्हारे घर में ही बनाया जाए, क्योंकि सब चाहते हैं कि तुम उनकी लाइफ का हिस्सा हो। रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, इंस्पिरेशन की वजह से, डर की वजह से नहीं, ठीक है? तो खुद को ना बोलना सीखो, क्योंकि जब तुम्हारी अर्ज आती है या तुम्हारी नीडनेस आती है या तुम्हारी इनसिक्योरिटी आती है और तुम अपनी इनसिक्योरिटी को ना नहीं बोल सकते, तो तुम उस लड़की को उसकी लाइफ जीने से ना बोलने की कोशिश करते हो, करेक्ट? वो मत करो, खुद को ना बोलना सीखो। ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा दर्द होएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में असली जो डोमिनेंस होती है वही होती है जब तुम खुद को डोमिनेट कर सकते हो। डोमिनेट योरसेल्फ, खुद को डोमिनेट करो, दूसरे लोगों को नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं। अल्फा बनने की कोशिश मत करो भाई, अल्फा जो बनने की कोशिश करता है वो जिंदगी में कभी भी अल्फा नहीं होता। बिना कोशिश किए जीतो जिंदगी में, खुद को कंट्रोल करके, क्योंकि हम सबकी चाहत होती है कि हम दुनिया में लोगों को कंट्रोल कर सके। हम सब चाहते हैं कि यार इधर चल क्या रहा है, ये फ्रेंड सर्कल में वो दोनों क्या बात कर रहे हैं यार मेरे बारे में, आजकल मेरे को लग रहा है कुछ चालू है, या फिर यार ये ऑफिस में ये जो कपल है ये कपल क्यों है, मुझे वो लड़की चाहिए थी यार, काश उनका ब्रेकअप हो जाए ताकि मैं चांस मार सकूं। हम सबको चाहत है कि हम भगवान बन सकें, हम सबको चाहत, लेकिन वो जो चाहत है ना, अगर तुम उसके पीछे भागोगे तो वो तुम्हारी कभी असलियत नहीं बन पाएगी। तुम अपनी चाहतों को
ना बोलो, जो चाहते तुम जानते हो गलत है, जो चाहत तुम्हें तभी मिलनी चाहिए अगर तुम उसके लायक हो। उस चाहत को जब तुम ना बोलना शुरू करोगे, इतना तुम में जब सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो तुम चाहते हो ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ अपने आप वो तुम्हारे ऊपर फेंकने लगती है। तुम ये चाहते हो, लाइफ फेंक रही है, तुम ये चाहते हो, लाइफ फेंक रही है। ये जो कॉन्ग्रुएंस है, ये जो पैरेलल रास्ते हैं जिस पे चलेगी जिंदगी, उसको टाइम लगता है आने में, लेकिन वो जो जिंदगी है ना, मतलब तुम इतने अच्छे हो जाते हो कि मतलब तुम्हें फर्स्ट चॉइस मिलता है, तुम्हें फर्स्ट मतलब तुम VIP बन जाते हो बिना बनने की कोशिश किए, तुम VIP बन जाते हो। तुम देखोगे लोग जिनको ऐसे हाथ में पकड़ा दिया जाता है, पॉलिटिकल स्टेटस या फिर कोई VIP स्टेटस, वो देखा है ना कैसे दूसरे लोगों को गंद की तरह ट्रीट करते हैं, उनको लगता है महान है। अगर वो तब भी खुद की चाहत को कंट्रोल कर सके ना और बोले यार नहीं नहीं आप क्यों मेरा बैग उठा रहे हो, मैं खुद उठा सकता हूँ, मेरे पास दो हाथ हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, उस दिन जो डर की वजह से लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, और तुम्हें जो सेंस ऑफ नकली सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ हाँ मैं कुछ हूँ, मैं सो सकता हूँ चैन से क्योंकि मैं कुछ हूँ, लोग मेरा आदर करते हैं, वो डर के जो करते हैं ना वो फिर असलियत में करना शुरू करेंगे। और लोग तो सिर्फ एक चीज़ है, मेरा मेन आइडिया था आज के बारे में ये बताने का कि तुम लोग जो लड़कियों की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या तुम्हें जेलस लगता है अगर ब्रेकअप के बाद वो किसी और से बात कर रही है, या तुम्हें वो लड़की मिली नहीं उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया लेकिन वो किसी और से बात कर रही है, तुमसे देखा नहीं जाता, अरे तो मत देख, मुश्किल क्या है इतना, नहीं वो मेरे क्लास में है, मेरे ऑफिस में है, रोज आती है मेरे रास्ते में, रास्ता बदल, एक ही रास्ते पे चलने को मतलब किसने कहा देर को, खुद को ना बोलना, रास्ता बदल या तो बना दे। आजकल रास्ता बनाना ज़्यादा आसान है रास्ता बदलने से, क्योंकि इतने सारे लोग सेम रास्तों पे चल रहे हैं कि अगर तुम खुद का बनाओगे बहुत आगे जाओगे, खुद का बनाओ और आगे जाओ। लड़कियों की लाइफ कंट्रोल करना बंद करो गाइस, सी यू।